मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास से हमारा जीवन घिरा हुआ है। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ लोग नहीं मानते हैं, पर ज़्यादातर लोग इसे मानते हैं। इनफैक्ट बहुत से पढ़े लिखे लोग भी इसे मानते हैं, जैसे कि मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में भी बताया है। तो आज हम ऐसे कुछ अंधविश्वासों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे, इनका एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ही कम लोग बता पाएंगे, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को पता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए, ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना हो जाए। और अगली बार जब भी आपसे कोई इनमें से किसी भी अंधविश्वास के बारे में बोले, तब आप उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझा पाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हितेश, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आप सबके साथ ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा कि जब आप कभी रात को नाखून काटते हो, तब आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग या फिर किसी ना किसी ने ऐसा जरूर कहा होगा कि बेटा, रात को नाखून नहीं काटते, ये गलत है, बुरी बात है ये, या फिर ऐसा ही कुछ। और पूछने पर आप में से बहुत ही कम लोगों को इसका सही जवाब मिला होगा, और डांट तो फ्री में पड़ी ही होगी, जैसे बहस करता है, ज़्यादा बड़ा हो गया है, जो बोला है वो कर, और भी बहुत कुछ सुनने को मिलता होगा, है ना। तो आज जान लीजिए इसके पीछे का कारण और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। देखो, ये जो अंधविश्वास है, ये अभी का नहीं है, इस ज़माने का नहीं है, ये बहुत पहले बहुत पुराने ज़माने में शुरू हुआ था, जब इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का कोई अता पता नहीं था, मतलब बिजली नहीं हुआ करता था, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत ही कम होता था, जिसके वजह से रात को नाखून काटना बहुत ही रिस्की होता था। और कहीं कम लाइट में गलती से हाथ पैर ना कट जाए, कोई ज़ख्म ना हो जाए, इसीलिए रात को नाखून काटने से मना करते थे। लेकिन अभी के ज़माने में इस अंधविश्वास का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि अभी तो ऑलमोस्ट हर एक घर में बिजली है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन हो या रात, आप कभी भी नाखून काटो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आपको केयरफुल रहना है, वरना बिजली होते हुए भी जख्म हो जाएगा। दोस्तों, हमेशा कहा जाता है और बहुत से लोग ये मानते भी हैं कि दिन ढलने के बाद यानी कि शाम को या फिर रात को घर में झाड़ू पोछा लगाना अच्छा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं कि ऐसा करने से घर की जो लक्ष्मी है वो चली जाती है और गरीबी आ जाती है। लेकिन ऐसा क्यों, आखिर क्या वजह है ऐसा कहने का? तो असल में बात यह है कि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि पुराने ज़माने में बिजली नहीं हुआ करता था, इसीलिए अगर कोई कम लाइट में झाड़ू पोछा लगाता है तो हो सकता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि कोई इम्पोर्टेंट कागज़ या फिर ज्वेलरी यानी कि सोना गहना का टुकड़ा या फिर ऐसा कुछ भी झाड़ू के साथ घर के बाहर जा सकता है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि दिन ढलने के बाद यानी कि शाम को या फिर रात को झाड़ू पोछा लगाना अच्छा नहीं होता है, नहीं लगाना चाहिए झाड़ू पोछा। पर अभी के टाइम में इस अंधविश्वास का कोई मतलब नहीं होता है अगर लाइट का केस कंसिडर किया जाता है तो, क्योंकि अभी तो ऑलमोस्ट हर एक जगह में, हर एक घर में लाइट ही लाइट है, तो आप दिन हो या रात कभी भी झाड़ू पोछा लगा सकते हो, सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन किंतु परंतु इस अंधविश्वास के पीछे एक और कारण है, जिसे हम चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और वो ये है कि रात को तो घर के हर एक फैमिली मेम्बर्स यानी कि हर एक सदस्य घर पर ही रहते हैं, एक ही जगह पर इकट्ठा होकर, और अगर उस वक्त कोई झाड़ू लगाता है तो ऑब्वियसली सब लोग डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे। आप ही सोचो, अगर आप कहीं पर बैठे हुए हो और आपके सामने कोई झाड़ू लगा रहा है और धूल ऐसे ऐसे उड़ रहा है, तब आप क्या करोगे? ऑब्वियसली किसी भी चीज़ से अपना नाक और मुंह ढक लोगे, है ना। तो इसीलिए इस बात का मतलब तो बनता है बॉस, एंड आई थिंक कि जितना हो सके रात को झाड़ू पोछा ना ही लगाना सही है। दोस्तों, आपका क्या राय है इसमें, आप कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को ये कहते हुए नोटिस किया है कि अगर कभी तुलसी का पत्ता खाओ तो उसे चबाए बिना ही खाओ, मतलब चबाना नहीं है, डायरेक्ट निगल लेना है? तो आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? तो बहुत सारे लोगों का इन्हें रिलीजियस वे ये मानना है कि तुलसी जो है वो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, मतलब उनकी पत्नी है, तो इसीलिए तुलसी को चबा के खाना मतलब उनकी डिसरेस्पेक्ट करना होता है, इसीलिए तुलसी को चबा के नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे और भी बहुत सारे लोगों की अलग अलग धारणाएं होंगे, लेकिन हम बात करेंगे साइंस के आधार पर। और साइंस ये कहता है कि तुलसी का जो पत्ता है उसमें बहुत ही अधिक मात्रा में मर्क्यूरी और आयरन होता है, जो कि हमारे दांत के लिए हानिकारक है, और तो और ये दांत का कलर भी बदल सकता है। एक और बात ये है कि तुलसी का पत्ता स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है और हमारे मुँह के अंदर का नेचर एल्कलाइन, इसीलिए अगर कोई तुलसी का पत्ता रेगुलरली ज़्यादा ज़्यादा करके चबा के खाएगा तो वो उसके दांत के एनामेल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो रिलीजियस हो या साइंटिफिक, दोनों ही तरफ से हमें एक ही जवाब मिलता है, और वो ये है कि तुलसी का पत्ता हमें चबाकर नहीं खाना चाहिए, उसे डायरेक्ट निगल लेना चाहिए, पानी के साथ हो या फिर कैसे भी। दोस्तों, ये बात हम में से किसको नहीं पता है कि हमारे इंडियन कल्चर में एक ऐसा भी रिवाज है कि जब भी हम घर से कोई भी इंपॉर्टेंट काम के लिए निकलते हैं, जैसे एग्जाम्स, इंटरव्यूज एक्सेट्रा,
तब हमें निकलने से पहले कुछ और हो ना हो पर दही और शक्कर जरूर खिलाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? अभी आप में से ज़्यादातर लोग ये बोलोगे कि अरे ये कैसा सवाल हुआ, ऑब्वियसली गुड लक के लिए और क्या, ताकि आपका दिन अच्छे से गुजरे, आपके साथ सब कुछ अच्छा हो, है ना। बिल्कुल सही, ये जो शुगर शक्कर चीनी जो भी आप कहते हो, ये खाने का फ़ायदा ये है कि ये हमारे दिमाग में ग्लूकोज सप्लाई करता है जो कि हमारे एनर्जी लेवल को बूस्ट अप कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है। और कर्ड योगर्ट या दही जो भी आप कहते हो, इसके तो अनेकों फायदे हैं। ये हमारी बॉडी में कैल्शियम विटामिन डी प्रोटीन एक्सेट्रा प्रोवाइड करता है, पर सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमारे पेट के साथ साथ फुल बॉडी को ठंडा रखने में मदद करता है, पूरा कूल कर देता है। और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कोई खाता है तब तो मानो जादू सा हो जाता है, आराम और सुकून मिलता है, बॉडी कूल होने के साथ साथ एनर्जेटिक भी फील होता है। तो दोस्तों ये कितना फ़ायदेमंद है और हमारे गुड लक को कैसे बरकरार रखता है आपने जान ही लिया है। इसलिए जब भी कभी किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए बाहर निकलो, उससे पहले दही और शक्कर खाना मत भूलना। दोस्तों आप लोगों ने अपने घर में या फिर कहीं पे लोगों को ऐसा जरूर कहते हुए सुना होगा कि रात को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे या फिर सामने नहीं जाना, उस पेड़ पे भूत चुड़ैल डायन और आत्माएं जैसी चीज़ें रहती है। पर आपको पता है असल में होता क्या है? भूत प्रेत का तो पता नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि देखो ये जो प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे होते हैं ना, इनके बारे में हमारे पास जो एक बेसिक सा नॉलेज है वो ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके वजह से हमारे एनवायरनमेंट की जो हवा है वो साफ रहता है। लेकिन हमारी तरह इनमें भी एक प्रोसेस होता है जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं, और इसका टेक्निकल मीनिंग है कि हम जो खाना खाते हैं वो हमारे अंदर जाने के बाद बर्न होकर जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, मतलब हजम होने के बाद जो ताकत हमें मिलता है, सब इन सब चीज़ों को एक साथ में मिलाकर रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसके लिए ये भी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और प्रोसेस खत्म होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। जी हाँ, प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और ये प्रोसेस दिन रात चलता रहता है। पर मेन बात तो ये है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ दिन में ही होता है सनलाइट के वजह से, और प्लांट्स भी इसीलिए ही ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लेकिन रात को सनलाइट ना होने के कारण फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है और इसीलिए प्लांट्स भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं। पर कार्बन डाइऑक्साइड तो डेफिनेटली रिलीज करते रहते हैं ना, क्योंकि रेस्पिरेशन तो हर वक्त होता रहता है, जिसके वजह से रात को प्लांट्स के आसपास ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। और बिल्कुल इसीलिए ही हमें रात को किसी भी पेड़ पौधे के आसपास नहीं जाना चाहिए, और ख़ास करके पीपल का पेड़, इसीलिए क्योंकि पीपल का पेड़ तो एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और जितना बड़ा पेड़ उतना ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा, और जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा हमारे सेहत के लिए उतना ही ज़्यादा ख़राब है। तो अभी आप शायद ये सोच रहे होंगे कि अगर कोई इंसान किसी एक बड़े पेड़ के नीचे सारा रात सोता है तो उसका क्या होगा? अगर कोई ऐसा करता है तो उसके सेहत के लिए बहुत ही बुरा होगा। पैर के नीचे और आसपास ऑक्सीजन कम होने के कारण उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ होगा, घुटन सा होने लगेगा और साथ ही साथ उसे कमजोरी भी महसूस होने लगेगा। और यहाँ बात सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं है, रात को किसी भी पेड़ पौधे के आसपास जंगल में क्यों जाना है? वहाँ जंगली जीव जंतु कुछ भी हो सकता है, क्यों बेवजह रिस्क लेना है? इसीलिए हमें रात को किसी भी पेड़ पौधे के आसपास जाना अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, सबके साथ शेयर कर दीजिए, और उन लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना जिनके लिए इन अंधविश्वासों का एक्सप्लेनेशन जानना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर कर दीजिए, ताकि जब भी आपका एक दोस्त इससे जानकारी बढ़ी और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाएगा। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।